एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स की वर्कशीट क्लास 4 के लिए। सो ये जो वर्कशीट है वो प्रॉपरली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है मैंने उससे बनाई है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा चैप्टर जो है कवर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरे एक और चैनल है, मेरा व्लॉग चैनल सिस्टर डायरीज, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। सो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई है जहां पर नियरेस्ट 10, 100, 1000 सारे नंबर्स कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझाया है। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो कैसे करेंगे 1000? सो जिस भी प्लेस के डिजिट को हमें चेंज करना है, जैसे 1000 प्लेस के डिजिट को चेंज करना है तो हम उसके पिछले डिजिट को चेक करेंगे। जैसे कि ये 9 है, इसके पिछले डिजिट 100 प्लेस पे। अगर ये 5 या मोर देन 5 है तो 1000 प्लेस पे 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है, लेस देन 5 है, तो जो डिजिट है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे तो 9 से 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 3 हो गया। और इसके बाद सारे जो नंबर्स हैं वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जिस प्लेस को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे 1000 वाले को कर रहे हैं, तो उसके बाद के सारे जो डिजिट्स है वो जीरो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी इसमें भी चेंज हो जाएगा, मोर देन 5 है, सो यहाँ पे 5। और ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8000, यहाँ पे आपका 4000, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 कर रहे हैं 6, तो ये हो जाएगा हमारा 16000। आगे वाली डिजिट सेम रहेगी, इसको हम चेंज कर देंगे। अभी यहां पर देखिए लेस देन 5 है, इट मीन्स इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इस वाले डिजिट को इसको हम सेम रखेंगे और बाकी जो डिजिट्स है वहां पे वो सारी जीरो में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, राउंड द फॉलोइंग न्यूमर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे करेंगे? सो यहाँ पे हमारा जाएगा 500 प्लस 90 प्लस 8। दीज आर वेरी इजी, क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास से सीखता है। लेकिन मैं ये कहूंगी इतना भी इजी नहीं है, हमें इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम इनको सीखता है तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स जो है करता है। 8740, ठीक है। इस तरीके से आप इनको एक्सपेंड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9000, यहाँ पे 0 0 और फिर आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, ये हो जाएगा आपका 4009, 4009। नेक्स्ट है 16000 और ये हो जाएगा हमारा 70। उसके बाद ये हमारा 8400, 5670, 4070 और 14007, 14007। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। सो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 17116, ये हमारा हो जाएगा 44, ये हमारा हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 9010, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 56732, 700, ये हमारा 10 हो जाएगा जब हम 9 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग। सो प्रीडेसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे हम लास्ट वाली डिजिट से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 998999, ऐसे ही 7898, यहां पर हम करेंगे तो 14999, 16788, 14029, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, रेस्ट जो बाकी है ये रह गए हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द लिस्ट नंबर एंड अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। सर्कल करना हमें
किसको जो सबसे छोटा है और अंडरलाइन करना है जो सबसे बड़ा है। सो यहाँ पे सबसे छोटा है ये वाला, तो इसको हम सर्कल कर देंगे और जो सबसे बड़ा है उसको अंडरलाइन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो सबसे छोटा उसको सर्कल और जो सबसे बड़ा है उसको अंडरलाइन। सो यहाँ पे देखिए सारे डिजिट सेम है। सो ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, ये, तो इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। यहाँ पे सबसे छोटा है ये और सबसे बड़ा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन। सो यहाँ पे ये वाला नंबर हमारा बिग है, यहां पर हमारा ये वाला नंबर, यहां पर हमारा ये वाला नंबर, ये है जो इक्वल है, यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है और यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है। नेक्स्ट है फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन। सो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाएंगे तो याद रखना जीरो हम कभी भी आगे नहीं लगाएंगे। अगर हमने जीरो आगे पुट कर दी तो काउंटेबल नहीं होगी, काफी सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे लार्जेस्ट बनाते वक्त 7, 5, 4, 3 और 0, सेम ऐसे ही हम यहां पर करेंगे और यहाँ पे 4, 5, 4, 3, 0, ठीक है। लार्जेस्ट में जो 0 लास्ट में आएगी, ऐसे इस नंबर को जब हम करेंगे इससे स्मॉलेस्ट तो 8 आगे आ जाएगा और बिगेस्ट में 8 जो है वो बाद में आ जाएगा। यहां पर आपका आएगा 3, 0, उसके बाद 3, 3, 4 और जब लार्जेस्ट बनाएंगे तो 4, 3 times 3 और फिर 0। यहां पे आपका 2, 4, 5, 6, 7 सॉरी कोमा नहीं आएगा जब हम डिजिट्स बनाते हैं, ठीक है, कोमा नहीं आएगा। सो ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें नहीं पता है कि किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अभी वेट, 6 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 6 और ये कौन से प्लेस पे है, लैक पे है, तो हम यहाँ लैक लिखेंगे। ये आ गया हमारा 6 लैक। फिर 7 हमारा कौन से प्लेस पे है, 10,000, तो ये आ गया हमारा 70,000। 8 हमारा कौन से प्लेस पे है, 1,000, तो ये आ गया हमारा 8,000। 9 हमारा 100 पे है तो आ गया 900। 0 हमारा 10s पे है तो आ गया 0 और ये है 1s पे तो आ गया 0, ठीक है। इस ये है इनकी प्लेस वैल्यू, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों सूरत हाल में ये क्वेश्चन जो है आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्लेस वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है, कैसे, फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई पोजीशन ऑफ द डिजिट। जैसे कि अगर हमें 4 की निकालनी हो सो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 और ये कौन से पोजीशन पे है, डिजिट कौन से प्लेस पे है, 100, तो आंसर आ गया 400, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या आ गई 4 की, 400। ऐसे अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन ऑफ डिजिट, पोजीशन ऑफ डिजिट, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होता है, सो फेस वैल्यू 7 है, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू सेम होगी तो 7 है तो 7 ही होगी, 5 है तो 5 ही होगी, और ये कौन सी पोजीशन पे, कौन से प्लेस पे, 10, तो आगे 10 की प्लेस वैल्यू होगी 70। सो आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।